हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलिका ताजा शियाना। चलिए फ्रेंड्स, गुड़ का नमकीन शरबत लेकर आई हूँ मैं और इसको बनाते हैं। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, रमज़ान रोज़दारों को बहुत अच्छा लगता है ये शरबत, आप भी बनाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बस बस दिखा देती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 कप गुड़ ले लिया है मैंने और सब्जी के बीन्स को भिगो के रख दिया था। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी, अब मैं अपने हिसाब से डाली हूँ। अब 1 से 1.5 नींबू ले लिया है, उसका जूस निकाल के रख दिया था। और 1½ स्पून लाल नमक डालेंगे, मुट्ठी भर पुदीना डालेंगे, 1½ स्पून सौंफ डालेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, जिन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक ग्राइंडर ले लेंगे। फर्स्ट गुड़ डालेंगे, 1 कप गुड़ डालेंगे और इसमें 3 चीज़ों को डाल देते हैं। इन सारे चीज़ों को डाल देते हैं और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। और ग्राइंड कर लेंगे, ये तो ग्राइंड हो चुका है। एक पैन ले लेंगे, जो ग्राइंड किया हुआ ये पैन में ट्रांसफर कर देंगे। और इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ, क्यों डाल रही हूँ कि थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ। और इसमें सब्जी के बीन्स डालेंगे जो भिगो के रख दिया था। इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मिक्स कर लेंगे पूरी तरह से और ये रेडी हो चुका है पूरी तरह से। चलिए फ्रेंड्स, सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सर्व कर रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। गुड़ का नमकीन शरबत आप भी बनाना ना भूलिए, ज़रूर बनाइए। रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़दारों को बहुत अच्छा लगता है ये, आप भी बनाइए। कमेंट में बताइए कि आपका गुड़ का नमकीन शरबत कितना अच्छा बना हुआ था, आप भी बनाना ना भूलिए, ज़रूर बनाइए। मेरा तो बहुत अच्छा बना हुआ था। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे सपोर्ट करते रहना फ्रेंड्स, मैं अच्छे अच्छे रेसिपी लाते रहूँगी। चलिए अल्लाह हाफिज़।